मन कही गुरतेज के साथ। एक शहर था जो साथ तुम्हारे उजड़ गया, खंडहर इमारतें, जर्जर मकान, टूटी सड़कें, धुंधले पड़े साइन बोर्ड, कितनी कहानियां समेटे बैठे हैं खुद में। उजड़ गया वो सब कुछ जिन पर बहार थी कुछ देर पहले तलक, फिर वीरानियों की अमर बेल ने समेट लिया उनको अपनी आगोश में, कस के जैसे कभी यहां ये होता था, वहां ऐसा हुआ करता था, इस गली से होते हुए यही कुछ बाकी रह गया है। अब अतीत के पन्नों पर कल्पना की लिखी हुई नज़में अब भी अंकित हैं किसी शिलालेख की भांति, पता नहीं जिसे कोई फिर कभी पढ़ भी पाएगा या नहीं। उस झील के किनारे जहां कमल के फूल खिला करते थे, वहां अब दलदल है, उसमें सब कुछ खींचा जाता है जो भी इसमें उतरता है। वो घर भी वही है, मोहल्ला भी वही है, बस वहां रहने वाले लोगों का अब पता बदल गया है, इसलिए ये हवाएं अब चिट्ठियां लेकर नहीं जाती, लौट आती हैं नंगे पांव, दबे पांव, लफ्जों की झांझर उस शहर के बाहर उतार कर। नगर देवता से भी कई दिन बेवजह मैंने लड़ाई की थी कि तुमने क्यों नहीं संभाला इस शहर को, फिर चुपचाप वापस चला आया हाथ जोड़कर, क्योंकि संभाला तो हमने भी नहीं बहुत कुछ, कुछ नहीं बचा यहां सिवाय टूटे हुए लम्हों के जो खुद ब खुद निकल आते हैं जरा सी खुदाई पे, या जब यहां बारिश पड़ती है तो मिट्टी की खुशबू के संग घुल जाते हैं चारों ओर, और फिर महकने लगता है ये शहर भी। अफसोस जो अब अपना नहीं है, धीरे धीरे चले जाने से मालूम पड़ता है किसी का होना और किसी का ना होना। पूर्णिमा की रात, सावन ऋतु, सर्द मौसम की धुंध, ये भी अब इसके श्रृंगार में वो चांद नहीं लगाते जब ना इसका चेहरा भी मुरझाया सा है जैसे पूर्ण गर्भ वाली स्त्री। अब क्या समेटूं, क्या ना समेटूं, क्या लिखूं और किसको महाकाव्य का रूप दूं, सब कुछ उसी तरह वैसे ही छोड़ दिया है जैसे तुम इस शहर से बाहर अपना कदम रख चल दिए थे। अब मैं भी समझ चुका हूं कि चलना ही तो बेहतर होता है मुरझाए हुए अंगों को तोड़कर, मसल कर निरंतर चलते रहना। अगर नहीं चलोगे तो अतीत में व्यतीत हो एक गुमनाम कहानी बन जाओगे, इसलिए अपने भूत को जलांजलि देकर अब नए शहर में जाकर नए शब्दों से खुद का तर्पण करूंगा, क्योंकि वो एक शहर था जो साथ तुम्हारे उजड़ गया। तो ये थी मेरी मन कही, उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आई होगी। और हां, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिल करे तो कर सकते हैं, और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन भी दबा सकते हैं। आपको मेरी कहानियां कैसी लगती हैं नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिर मिलूंगा किसी नई रचना के साथ, आपका दोस्त गुरतेज।